नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु शुक्वर है। इस वक्त आप JJN न्यूज़ देख रहे हैं। अभी मैं हूँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पदमपुरी ब्लॉक धारी नैनीताल जिले के अंतर्गत एक ग्रामीण क्षेत्र का अस्पताल, जहाँ पर हम जानने आए हैं कि किस प्रकार से सुविधाएं हैं। अस्पताल का जो कर्मचारी हैं, अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, अस्पताल के नर्स हैं, वार्ड बॉयज हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, इस पूरे अस्पताल का हम आपको भ्रमण करके दिखाएंगे और साथ ही यहां से संबंधित अधिकारियों से हम बात करेंगे, मरीज़ से बात करेंगे। फर्स्ट आप देख सकते हैं COVID-19 जो यहाँ पर एक डेस्क लगा हुआ है, कॉर्नर है, जो सबसे पहले यहाँ पर मरीज आएगा तो उसकी यहाँ पर जांच होगी। मेरे साथ एक संबंधित अधिकारी भी मौजूद हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर संजय जनोटी। जी संजय जी, तो मुझे आप एक बार प्रोसेस बताएंगे, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एंटर करता है तो किस तरह से वो शुरुआत में कोविड को लेकर किस तरह से कार्य करता है? देखिए, कोई भी कोविड पेशेंट अगर आता है या किसी को सैंपलिंग करानी है तो हम उसको एंट्री कराते हैं उस साइड से। जी ठीक है, ये जनरल OPD के लिए है। हाँ। ठीक है, और उस साइड से आके अगर किसी को सैंपलिंग करानी है तो हमारे सैंपलिंग की प्रोसेस चल रही है। ये हमारी श्रुति मैडम है, ये एंट्री कर रही हैं, उमा सिस्टर है हमारी, ये सैंपल ले रही हैं। तो यहीं पर RT-PCR सैंपल भी आता है, रैपिड सैंपल अगर किसी को हाथों हाथ रिपोर्ट चाहिए तो रैपिड सैंपल भी यहीं पर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो उसको वहीं पे जो आइसोलेशन किट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई है वो दी जाती है, और आइसोलेशन के लिए उसको बता दिया जाता है कि आप घर में अकेले रहेंगे, अलग टॉयलेट बाथरूम यूज़ करेंगे, अपना अलग रूम यूज़ करेंगे। और किसी के पास अगर ये सुविधा नहीं होती है घर में तो आप हमारे यहाँ पे CCC भी खुल चुका है, कोविड केयर सेंटर TRC पदमपुरी, तो हम उस ऐसे पेशेंट को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर उनको गवर्नमेंट द्वारा सोशल मीडिया पे आए दिन कुछ पोस्ट आती हैं पहाड़ों के ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों को लेकर कि वहाँ पर सुविधाएं नहीं, क्या कुछ ऐसा है? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वहाँ अभी देखें आप, सैंपलिंग के साथ साथ जो हमारा यहाँ एक्सरे मशीन हमें मिल चुकी है, अल्ट्रासाउंड है, तो हर ट्यूसडे को यहाँ अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जो जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं या किसी कोई परेशानी है तो उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। हमारी लैब बन चुकी है, लैब में ऑलमोस्ट सभी सैंपल होते हैं, ब्लड सैंपल, CBC, LFT, KFT और जो भी HIV, तो ये सब सैंपल हमारे यहाँ पे होते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कोई परेशानी यहाँ पे है। हाँ, कोई ऐसा क्रिटिकल पेशेंट आता है तो उसको हम फिर आगे हल्द्वानी रेफर करते हैं। अगर कोई परेशानी ना हो तो आप हमें अस्पताल दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर साहब के साथ अस्पताल देखने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं देखने नहीं जा रहा, ये हमारी जनता देखना चाह रही है, और ये इनका भरोसा है कि आप जब अस्पताल पे आएंगे तो आपको बढ़िया सुविधा मिलेगी। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रूम्स को, ये हमारी OPD है। जी, यहाँ डॉक्टर बैठते हैं। ये OPD का रूम है, बिल्कुल साफ सुथरा रखा है। बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों पर एक अच्छा काम हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। जब हम अस्पतालों की बात करते हैं तो शहरों में जो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जो चीज़ों की कमी होती है, ये एक मिसाल है हमारे सारे अस्पतालों के लिए कि आप जब इस अस्पताल पे आते हैं तो आपको साफ़ सफाई मिलती है, प्रॉपर तरीके से चीज़ें मिलती हैं। शहरों के अस्पताल जो नहीं दे पा रहे वो एक ग्रामीण अंचल में स्थित अस्पताल आपको दे रहा है। फीमेल वार्ड है, ये फीमेल वार्ड है, सफाई है, हालाँकि अभी पेशेंट, ये मेल वार्ड, जी ये मेल वार्ड है, और अब यहाँ पे हमें 16 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मिल चुके हैं। अच्छा, तो एक पे एक कंसेंट्रेटर हमारे द्वारा यहाँ लगाया गया है, दो लगाए गए हैं, तीन जी, चार भी है, इस साइड भी है। अच्छा, तो कोई पेशेंट जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत लगती है, हमको सेचुरेशन उसका डाउन होता है, तो हम यहीं पे उसको ऑक्सीजन सपोर्ट देके और फर्दर अगर ट्रीटमेंट उसको आगे करना है, क्रिटिकल है, तो हम उसको आगे रेफर करते हैं। और यही एक कंसेंट्रेटर हमने अपना जो CCC खुला है हमारा TRC, वहाँ एक भेजा गया है पेशेंट के लिए। ये ऑक्सीजन की व्यवस्था भी जो सरकार ने की थी वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। सर आगे फीमेल वार्ड है, यहाँ पर भी साफ़ सफाई आप देख सकते हैं। हालांकि सर, मरीज तो अभी मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा कम है। अभी कोई डिलीवरी होती है तो उसको हम यहाँ रखते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो 24 घंटे में पेशेंट को यहाँ रखना होता है, तो अभी फ़िलहाल कोई पेशेंट ऐसा भी है नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने इस अस्पताल को इस तरह से बना के रखा है जैसे कि आपका घर है, तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन इस कोविड काल में हमें हाइजीन और कैसे साफ़ सफाई रखनी है, ये सब चीज़ें हमें इस पर और ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम जो ये देख रहे हैं कोरोना काल में,
जो वायरस फैल रहा है ये कहीं ना कहीं अनहाइजीनिक कंडीशन है और हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है उसी कारण है। तो इसीलिए हम अब जो है हॉस्पिटल में साफ सफाई पर हमने पूरा फोकस कर रखा है। जी, बहुत अच्छी साफ सफाई जो है और अच्छा लगा अस्पताल आके, ऐसा लगा कि मैंने पहले भी कहा कि प्राइवेट अस्पताल बहुत अच्छे रहते हैं हमारे देश में, सरकारी अस्पतालों की थोड़ा सा जो है स्थिति सही नहीं रहती, लेकिन जब यहाँ आए तो हमें कोई भी शिकायत नहीं मिली क्योंकि यहाँ पर अच्छी तरह हाइजीन किया हुआ है, साफ़ सफाई की हुई है। और ये आप देख सकते हैं जी, जो हमारे महिला चिकित्सक हैं वो बैठती हैं, अभी वो मैटरनिटी लीव पे हैं। हाँ जी, और हमारा अल्ट्रासाउंड भी जो है ये भी अच्छा, लग चुका है जी। कोई भी गर्भवती महिला आती हैं तो हर ट्यूसडे को यहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जी बिल्कुल, आइए, ये अल्ट्रासाउंड रूम है और ये साफ सफाई की पूरी व्यवस्था है। ये ऑपरेशन कक्ष देखिए, लेबर रूम। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की व्यवस्था देना अपने आप में काबिले तारीफ है और व्यवस्थाओं के साथ उसको इतने सुचारू रूप से चलाए रखना। जी, इक्विपमेंट्स कई बार हमारे पास आ जाते हैं लेकिन इक्विपमेंट जो है वो जंग के शिकार हो जाते हैं, उन पर पड़े पड़े जंग लग जाता है क्योंकि उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती, उनको देखने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जब आप पद्मपुरी धारी के इस अस्पताल पे आते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि सुचारू रूप से काम हो रहा है और ये एक खुशी की बात है। मैं अपने मीडिया कर्मी जितने भी चैनल्स उनको भी कहना चाहूँगा कि ये भी दौर बहुत नकारात्मक जा रहा है, इसको सकारात्मक बनाएं, पॉजिटिव एनर्जी दें, क्योंकि जितना आदमी बीमारी से नहीं डर रहा कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव से भी परेशान है। इस तरफ हम जा सकते हैं। बिल्कुल जी, ये हमारी सैंपलिंग, कोविड सैंपलिंग, यहाँ पर कोविड सैंपलिंग हो रही है। तो मैम आपका नाम? सर मेरा नाम श्रुति पांडे है, मैं यहाँ पर काउंसलर हूँ जी। और यहाँ पे हम लोग अभी जब कोरोना की जांच होती है तो उससे पहले हमें इनकी डाटा एंट्री करनी होती है ताकि वो पोर्टल पे अपडेट हो और वही हम आईडी जनरेट करके यहाँ पे लिखते हैं। मैम पहाड़ों के जो लोग हैं वो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे या इंटरनेट की दुनिया थोड़ा वीक होते हैं, तो उनकी भी किस तरह से मदद हो पा रही है? वीक होते हैं थोड़ा सा, अब ये है कि पूरी जानकारी भी उन्हें नहीं मिल पाती है। वीक तो इसलिए भी हैं कि अभी हो सकता है कई जगह ऐसी भी हैं गाँव में जहाँ पर उनको पूरा प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। अगर हो रहा है तो या तो लोग बातें सुन के एक दूसरे को आंसर दे रहे हैं, मतलब पूरी सच्चाई लोगों को पता नहीं होती है। दूसरा यह है कि हर जगह सोशल मीडिया एकदम से, अभी हम गांव में नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से प्रचार प्रसार इसका हो पा रहा है जी। तो उनके लिए काउंसलिंग भी ज़रूरी है सर, क्योंकि जितना ज़रूरी उनके लिए इलाज है उतनी जल्दी उनके लिए सोचना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गाँव में हुआ क्या था, अभी मैंने देखा भी था कि अपने इलाज ही निकाल दिए थे लोगों ने कि ये करेंगे तो ये होगा, तो एक जानकारी देना भी। हमारे ये काउंसलर हैं, एक काउंसलर हमारे फील्ड पे गई हैं। अच्छा। और पर डे 50 लोग को वो लोग जो होम आइसोलेशन में है उनको कॉल करते हैं। जी। उनको किस तरह से पॉजिटिविटी रखनी है, किस तरह से सकारात्मक रहना है, वो काउंसलिंग पर डे 50 पेशेंट को हमारे काउंसलर कॉल कर दिए। जी, साथ ही में कुछ जो यहाँ पर मरीज आए हुए हैं या लोग आए हुए हैं उनसे भी कुछ बातें करते हैं, उनसे जानते हैं अस्पताल के बारे में। सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी, आपका शुभ नाम? जी, जीवन चंद जोशी। जी, अभी अस्पताल में आने का कारण? टेस्ट के लिए आए थे। हाँ जी। तो हॉस्पिटल्स पे किस तरह की व्यवस्था आपको मिली जब आप यहाँ पर आए, किस तरह से ट्रीट किया गया आपको? नहीं, हॉस्पिटल तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत सालों से जानता हूँ, मैं यहीं लोकल का ही रहने वाला हूँ, व्यवस्थाएं सब अच्छी हैं, दुरुस्त हैं। रेगुलर आपको जब भी आते हैं तो यहाँ पे इलाज मिलता है? बिल्कुल मिलता है। हाँ, कोई शिकायत वाली बात तो नहीं हुई आज तक। जो शहरों में नहीं मिल पाता वो गांव में मिल रहा है। शहरों में भीड़ भाड़ बहुत है ना, यहाँ हमसे शांतिपूर्वक गुजारा सारा काम। हाँ जी, बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, पूरा स्टाफ सहयोगपूर्ण रवैया अपनाता है, ऐसा कुछ किसी से विवाद वाली बात ही नहीं होती यहाँ तो। बहुत प्रेम से उपचार करते हैं, बहुत बहुत उससे पोलाइटली पब्लिक डीलिंग करते हैं, बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं, स्टाफ से कोई दिक्कत नहीं। आपको सर ने बताया, आपका नाम? मीना जोशी। आप भी काउंसलिंग करने के लिए आए हुए जी, जी, जी। तो अस्पताल जब आप आए तो आपको यहाँ पर हर सही लगी व्यवस्था? बिल्कुल अच्छी, सब सुविधाएं यहाँ हैं। हाँ जी, हाँ, शांतिपूर्वक हो जाता सब। ये तो मुझसे भीड़ हुई जी, तो बहुत अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है जी, बहुत अच्छा, और यही अच्छी लगती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप आशा कार्यकर्ता हैं जी, तो गाँव में कोरोना की स्थिति क्या है? गांव में कोरोना की स्थिति हमारे यहाँ तो अभी कमी है, लेकिन जो बाहर के लोग आ जा रहे हैं ना, हमारे यहाँ वैसे नहीं है। हाँ। क्योंकि बाहर से दिल्ली हिल्ली से हरियाणा पंजाब से आ जा रहे हैं। हाँ। वही लोगों से फैल जा रही है ये बीमारी, पता ही बिना बताए आ जा रहे हैं, बिना सैंपलिंग करके आ जा रहे हैं यहाँ पे, ये हो रहा है। तो आप हम सैंपलिंग के लिए? हम सैंपलिंग के उनको यहाँ भेज रहे हैं और टीम बुला रहे हैं वहाँ गाँव पे आए तो उनको हम क्वारंटीन कर रहे हैं, क्वारंटीन सैंपलिंग करके क्वारंटीन कर रहे हैं।
जी। इस बीच में जितना योगदान हमारे डॉक्टर्स का रहा, जितना योगदान हमारे अस्पताल का रहा, नर्सों का रहा, उनमें एक अहम योगदान निभाते हैं आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो लगातार हमारी सेवा कर रहे हैं। आइए एक बार अस्पताल में चलते हैं और ऊपर एक जो इसका दूसरा कक्ष है उसको भी देखते हैं। यहाँ पर रेगुलर सैम्पलिंग चल रही है। सैम्पलिंग के दौरान जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको एक आइसोलेशन पर रखा जा रहा है और जो नेगेटिव हैं उन्हें घर भेजा जा रहा है। हमारे जो ये लैब टेक्नीशियन है फील्ड पास आरटीपीसीआर कोविड सैम्पलिंग के लिए गए हैं जी। तो ये जाँच हमारी यहाँ पे ब्लड की जाँच होती जी। बिल्कुल। तो अब हम जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं, उसके बाद हमें जाना है जहाँ पर ग्रामीणों की टेस्टिंग हो रही है, सॉरी वैक्सीनेशन हो रहा है। हमारा ऑफिस है, यहाँ पे जो भी डाटा हमारे पास कलेक्ट होता है सैम्पलिंग से रिलेटेड, तो यहीं पे हमारा डाटा कलेक्ट होके यहीं से हमारे जो वर्कर हैं ये सेंड कर लेते हैं डाटा पर डे। बिल्कुल। अब हम फाइनली ठीक हो गया। मैं डॉक्टर हिमांशु कांडपाल, इस धारी ब्लॉक का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, और यहाँ पर हमारा कोविड केयर सेंटर भी बना हुआ है पदमपुरी में, जिसमें अभी एक पेशेंट एडमिटेड है, उसके 3 या 4 दिन हो गए हैं और एकदम वो फिट है। हमारे पास यहाँ पर अभी 16 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी आए हुए हैं, जो जिसको दिया जा रहा है, जिसको ज़रूरत है उसको हम अपने बेड में भी, बेड भी बनवाए हैं यहाँ पर, 8 बेड बनवाए हुए हैं। दूसरा हमारा क्या है कि गाँव में सैम्पलिंग हो रही है, इसमें हमारा आज दो टीमें हमें पूरे ब्लॉक में बनाई हुई हैं, तो जो डेली बेसिस में गांव में जाके सैम्पलिंग करती है, और एक हमारी यहाँ पर टीम है अस्पताल में जो 24/7 सैम्पलिंग कर रही है, रैपिड जो करती है 15 मिनट में रिजल्ट आ जाता है, और एक आरटीपीसीआर होता है, आरटीपीसीआर भी कर रही है, जिसका 1-2 दिन लग जाते हैं उसकी रिपोर्ट में। जो भी इसमें पॉजिटिव आते हैं उनको हम होम आइसोलेशन करते हैं उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद, और उनको जो सरकार से एक अवेयर में एक होम आइसोलेशन किट बनी हुई है वो देते हैं। और अब हमने निर्णय लिया है कि जो भी पॉजिटिव केस होगा उसके घर वालों को भी हम होम आइसोलेशन किट देंगे। और अभी एक हमारा और चल रही है कि गांव-गांव में घर-घर में हम लोग प्रोफाइलेक्टिकली आइवरमेक्टिन 12 mg की गोली देने वाले हैं सभी को आशाओं के माध्यम से, तो वो जिम्मा ब्लॉक में तहसील में दिया गया है, वो लोग पैकेट बनाएंगे। ग्राम विकास अधिकारी और सभी लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दे दी गई है कि कैसे खिलाना है, कैसे नहीं खिलाना है, किन लोगों को नहीं खिलाना है। खासकर मैं भी आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपको ये आइवरमेक्टिन प्रोफाइलेक्सिस दवाइयाँ मिलने वाली हैं वो गर्भवती महिलाओं को नहीं खिलानी है, 10 साल से छोटे बच्चों को नहीं खिलानी है, और जिनको लीवर डिजीज़ है उनको नहीं खिलानी है। तो ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए, इन 3 लोगों को नहीं खिलानी है, ठीक है। उसके बाद यदि किसी को भी ऐसे साइन सिम्टम्स आते हैं, बुखार हो गया या फिर सर दर्द है, खांसी है, तो वो तुरंत आके, वैसे तो हमारी टीम जा रही है लेकिन उसका वेट ना करें, तुरंत तो अस्पताल में आएँ। अस्पताल में हमारा 24 घंटे अस्पताल खुला हुआ है, रैपिड एंटीजन हमारे पास है, तुरंत टेस्ट हो जाएगा और आपका शंका का निराकरण भी हो जाएगा। ना संडे की छुट्टी है और ना ही समय की कोई ऐसी पाबंदी। हमारे कोरोना वॉरियर्स सुबह 6 बजे आते हैं, शाम के 8 बजे तक गाँव में काम करते हैं, और ये वाकई काबिल तारीफ़ है जो इस तरह से लोग सेवा कर रहे हैं, अपने पद के साथ साथ एक मानवता का भी धर्म निभा रहे हैं। मैं अपने सारे कोरोना वॉरियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस कठिन समय पे आप इतनी मेहनत से इस तरह के काम कर रहे हैं, संबंधित अधिकारियों को भी। और वास्तव में मुझे इस अस्पताल पर आके खुशी हुई, यहाँ जब हमने देखा, आपको हमने दिखाया कि किस तरह से कितनी मेहनत से लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और जब यहाँ हमने लोगों से प्रतिक्रियाएँ ली तो वो भी आपने सुनी, लोग भी काफ़ी खुश नज़र आए। उनका कहना था
कि जब भी हम अस्पताल में आएँ तो हमें इस तरह से ट्वीट किया जाता है जैसे कि हमारे अपने हैं। इस कोविड के समय में हमें सकारात्मक रहना है, नकारात्मक पहलुओं को छोड़कर एक कदम अच्छाई की ओर बढ़ाना है जिससे इस कोरोना महामारी को हम जल्द से जल्द मात दे सकें और फिर से एक नए सवेरे के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ एक नई शुरुआत कर सकें। मेरा नाम दीपांश शुक्वर है, कैमरा जर्नलिस्ट के रूप में मेरे साथ मौजूद हैं सूरज गोस्वामी। आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।